हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया RFID टेक्नोलॉजी क्या होती है और उसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ए RFID सिस्टम। तो RFID सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स: RFID रीडर, RFID टैग, एंटेना एंड सॉफ्टवेयर। तो RFID टैग्स क्या होते हैं? जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको आइडेंटिफाई या ट्रैक करना है, उस ऑब्जेक्ट के साथ RFID टैग को अटैच किया जाता है। उस RFID टैग के साथ क्या होता है, एक चिप लगी हुई होती है और एक एंटीना होती है। एंटीना के थ्रू RFID टैग कम्युनिकेट करता है RF रीडर से। जो चिप होती है उसमें उस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है स्टोर रहती है। RFID टैग कंटेन्स ए माइक्रोचिप दैट इज इंकोडेड विथ इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑब्जेक्ट बींग टैग्ड। RFID के अंदर क्या होती है, एक माइक्रोचिप रहती है जिसमें इंकोडेड इंफॉर्मेशन रहती है उस ऑब्जेक्ट की, जिस ऑब्जेक्ट को हमने RFID टैग लगाया है। RFID टैग इज़ ए ट्रांसपोर्टर विच रिसीव्स अ रेडियो सिग्नल एंड इन रिस्पॉन्स टू इट सेंड्स आउट ए रेडियो सिग्नल। तो RFID टैग क्या होता है, एक ट्रांसपोर्टर होता है जो क्या करता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का ही काम करता है। जब भी उसे RFID रीडर के थ्रू रेडियो सिग्नल रिसीव होते हैं तो उस रेडियो सिग्नल के रिस्पेक्ट में वो रिस्पॉन्स जो है, यानी कि उस चिप के अंदर, माइक्रोचिप के अंदर जो भी डेटा स्टोर्ड है उसको वो ट्रांसमिट कर देता है RFID रीडर को यूजिंग रेडियो सिग्नल। RFID टैग्स मेनली कंसिस्ट ऑफ एन एंटीना यूज टू ट्रांसमिट एंड रिसीव सिग्नल्स एंड ए स्मॉल चिप विच इज़ माइक्रोचिप दैट स्टोर्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा एंड प्रोसेस द इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए और स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए RFID टैग में एक माइक्रोचिप होती है। अब RFID टैग्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पैसिव टैग और एक होते हैं एक्टिव टैग। जो पैसिव टैग होते हैं मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ टैग्स होते हैं और इट डू नॉट ऑपरेट विथ बैटरीज, इसमें बैटरी की ज़रूरत नहीं होती है। पैसिव टैग्स गेट पावर फ्रॉम अ रीडर। तो इन्हें पावर कहाँ से मिलता है, रीडर से। रीडर सेंड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स दैट प्रोड्यूस ए करेंट इन द टैग्स एंटीना विच देन पावर्स द माइक्रोचिप सर्किट्स। तो इनको पावर कहाँ से मिलता है, जब भी जो RFID टैग्स जो हैं वो रीडर की रेंज में आते हैं तो रीडर जो है उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजता है जिसके थ्रू RFID टैग्स के एंटीना में करेंट प्रोड्यूस होता है जिससे इसके माइक्रोचिप को पावर मिलता है। और फिर माइक्रोचिप जो है वो जब एक्टिवेट हो जाती है तो वो रेडियो सिग्नल्स के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करती है RFID रीडर को। लेस एक्सपेंसिव होते हैं पैसिव RFID टैग्स क्योंकि इसमें बैटरीज का यूज नहीं होता है। पैसिव टैग्स रीड रेंज इज अप्रोक्सीमेटली 30 फीट। तो अगर ये जो RFID पैसिव टैग्स हैं वो 30 फीट के अंडर हैं, अप्रोक्सीमेटली 30 फीट की रेंज में हैं RFID रीडर के, तो वो अपने डेटा को RFID रीडर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक्टिव टैग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाईली एक्सपेंसिव होते हैं देन द पैसिव टैग्स। इट ऑपरेट्स विद ए बैटरी, हैंस इट हैज हायर रेंज एंड एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू पैसिव टैग्स। डेटा ट्रांसमिशन रेट इज हाई, अलाउ अ रीड रेंज ऑफ अबाउट 100 फीट, यूजफुल इन लोकेशन ट्रैकिंग एप्लीकेशंस। जो एक्टिव टैग्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू पैसिव टैग, उनमें बैटरी यूज़ होती है और इसी बैटरी की वजह से उनकी जो रेंज होती है वो हायर होती है डेटा ट्रांसमिशन की। वो जो डेटा ट्रांसमिट करता है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है एज़ कम्पेयर टू पैसिव टैग्स, और डेटा ट्रांसमिशन रेट भी हाई होता है और इसकी रीड रेंज भी ज़्यादा होती है। यहाँ पर 100 फीट होती है अप्रॉक्सीमेटली, जबकि पैसिव में हमने देखा कितनी होती थी, 30 फीट। और ये मेनली कहाँ पर यूज़फुल होते हैं, लोकेशन ट्रैकिंग एप्लीकेशंस में, जहाँ पर हमें किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन ट्रैक करनी होती है उन एप्लीकेशंस में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ RFID रीडर और इंट्रोगेटर। इट कंसिस्ट ऑफ एन इंट्रोगेटर दैट मीन्स टू वे रेडियो ट्रांसमीटर रिसीवर ऑल्सो नोन एज ए ट्रांसीवर। तो इस RFID रीडर को इंट्रोगेटर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों ही होते हैं, जिसको हम ट्रांसीवर भी कहते हैं। ट्रांसीवर इज़ यूज टू ट्रांसमिट एन इंकोडेड सिग्नल दैट एक्टिवेट्स द टैग। तो इस RFID रीडर के अंदर जो ट्रांसीवर होता है वो RFID टैग्स को
एक इंकोडेड सिग्नल भेजता है जिससे RFID टैग है वो एक्टिवेट हो जाता है। इट कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम RFID टैग्स। तो RFID टैग से इंफॉर्मेशन को या डेटा को कलेक्ट करने के लिए RFID रीडर्स का यूज़ होता है। द रीडर हैज़ ए स्कैनिंग एंटीना दैट इमिट्स रेडियो वेव्स एंड द टैग रिस्पॉन्स बाय सेंडिंग पैकेट्स डेटा। तो रीडर के अंदर भी एक एंटीना होती है जो रेडियो वेव्स को ट्रांसमिट करती है और उन रेडियो वेव्स के थ्रू RFID टैग जो है वो एक्टिवेट हो जाता है अगर वो पैसिव टैग है, और रिस्पॉन्स में जो RFID टैग है वो अपने डेटा को सेंड करता है RFID रीडर को। इट हैज़ ए ट्रांसीवर विथ ए डिकोडर टू इंटरप्रेट द डेटा। उसके अंदर एक डिकोडर होता है जो डेटा को इंटरप्रेट करता है, यानी जो RFID ने डेटा ट्रांसमिट किया है उसको इंटरप्रेट करने का, उसको समझने का काम किसका होता है? ट्रांसीवर का। अब रीडर्स भी जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड रीडर और एक होते हैं मोबाइल रीडर। यानी एक ही जगह अगर कोई रीडर लगा हुआ है तो वो फिक्स्ड होगा, अगर वो मूव हो सकता है तो वो मोबाइल रीडर होगा। जो फिक्स्ड रीडर होते हैं वो चेक पॉइंट की तरह वर्क करते हैं। फिक्स्ड रीडर्स आर माउंटेड इन स्पेसिफिक लोकेशन एंड आर यूज्ड टू ट्रैक आइटम्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इट वर्क्स विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। तो फिक्स्ड रीडर्स जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक लोकेशन पर माउंट कर दिए जाते हैं और उस लोकेशन से जब भी कोई आइटम्स जो हैं ट्रांसमिट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो उस आइटम का जो डेटा है वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए इसे क्या कहा क्या है कि वो चेक पॉइंट की तरह वर्क करते हैं, और ये जो डेटा कलेक्शन होता है वो विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है। मोबाइल रीडर्स आर हैंड हेल्ड यूज टू स्कैन इंडिविजुअल आइटम्स और ए पैलेट ऑफ आइटम्स ऑन द गो। दीज आर मोर फ्लेक्सिबल एज कम्पेयर टू फिक्स्ड रीडर्स। तो मोबाइल RFID रीडर्स जो होते हैं वो हैंडल्ड होते हैं, आप उसे हाथ में पकड़ के किसी भी इंडिविजुअल आइटम या मल्टीपल आइटम्स को स्कैन कर सकते हो। ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं एज कम्पेयर टू फिक्स्ड रीडर, क्योंकि आप इसे कहीं पर भी लेके जा सकते हो किसी RFID आइटम्स को रीड करने के लिए, और ये रिटेल एनवायरनमेंट में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट जो RFID का है वो है एंटीना। RFID टैग्स एंड रीडर्स बोथ हैव एंटीनास दैट अलाउ देम टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। तो RFID टैग और रीडर दोनों के पास ये एंटीना होते हैं जिनके थ्रू वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर टू प्रोसेस द डेटा एंड रनिंग ऑफ द डिवाइस। थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर यूज इन RFID। फर्स्ट इज फर्मवेयर, इट इज़ द सॉफ्टवेयर दैट रिसाइड्स ऑन द RFID हार्डवेयर इटसेल्फ। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द डिवाइस। तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए और RFID डिवाइसेस को रन करने के लिए थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। फर्स्ट होता है फर्मवेयर, ये सॉफ्टवेयर जो है RFID हार्डवेयर में ही इनबिल्ट रहता है, रिसाइड करता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है उस डिवाइस को रन करने के लिए। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इट यूजेस RFID कलेक्टेड डेटा टू एड्रेस अ पर्टिकुलर बिजनेस नीड। इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू एन एम्प्लॉय टाइम एंड अटेंडेंस एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा कि जो RFID रीडर डेटा रीड कर रहा है RFID टैग से, वो किसको सेंड कर रहा है? कंप्यूटर को। उस कंप्यूटर के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होंगे जो क्या करेंगे, पर्टिकुलर नीड के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर बिजनेस नीड के अकॉर्डिंग उस डेटा को प्रोसेस करेंगे। ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो सकता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बनाया गया हो या फिर एम्प्लॉय की टाइम और अटेंडेंस एप्लीकेशन के लिए बनाया गया हो। एप्लीकेशंस को इस कंप्यूटर पे रखा जाएगा और जो डेटा है जो रीडर के थ्रू कलेक्ट हुआ है उसको उस एप्लीकेशन को प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट इज मिडलवेयर सॉफ्टवेयर, इट इज़ द सॉफ्टवेयर बिटवीन फर्मवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट गैदर RFID डेटा एंड सर्व्स एज अ व्हीकल फॉर शेयरिंग दिस डेटा विथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इट ऑफर्स द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मॉनिटर RFID हार्डवेयर एंड ओवरऑल सिस्टम हेल्थ। इट इज़ कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन RFID कंपोनेंट्स एंड एप्लीकेशन। तो मिडलवेयर नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसके बिटवीन वर्क कर रहा होगा, हार्डवेयर और एप्लीकेशन के बीच बिटवीन। तो जो भी रॉ RFID डेटा आता है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को शेयर करने का काम किसका होता है? मिडलवेयर का। इसके पास ये एबिलिटी रहती है कि वो RFID हार्डवेयर को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकता है और सिस्टम की हेल्थ को मेंटेन करके रखता है। तो RFID कंपोनेंट्स एंड एप्लीकेशंस के बीच में ये कम्युनिकेशन लिंक का वर्क करता है, यानी जो भी डेटा है RFID कंपोनेंट्स का उसको एप्लीकेशंस को प्रोवाइड करने का वर्क इसका होता है। नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ RFID। तो सबसे पहले क्या होता है, RFID रीडर है वो ब्रॉडकास्ट करता है सिग्नल को एंटीना के थ्रू,
ये जो रीडर के साथ एंटीना अटैच्ड होती है उसके थ्रू वो रेडियो वेव्स ट्रांसमिट करता है, और जब ये रेडियो वेव्स ट्रांसपोर्टर यानी RFID टैग के पास पहुंचती हैं तो RFID टैग क्या करता है, ट्रांसपोर्टर रिसीव्स सिग्नल्स एंड ट्रांसपोर्टर इज चार्ज विथ इनफ एनर्जी, एंड व्हेन द ट्रांसपोर्टर इज चार्ज विथ इनफ एनर्जी देन इट सेंड बैक देयर कोडिंग इन्फॉर्मेशन टू रीडर। तो जैसे ही उस RFID टैग को रेडियो वेव्स मिलती हैं रीडर RFID रीडर से, तो वो चार्ज हो जाता है, और जब वो इनफ एनर्जी उसमें आ जाती है तो वो अपना डेटा जो है या कोडिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो रीडर को ट्रांसमिट कर देता है अपनी एंटीना के थ्रू। तो ये एंटीना के थ्रू रीडर के पास डेटा ट्रांसमिट होके आया। अब रीडर क्या करेगा, रीडर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड इनकोडिंग। तो रीडर क्या करेगा, इस इन्फॉर्मेशन को जो RFID टैग ने सेंड की है उसको कलेक्ट करेगा और उसको डिकोड करेगा। जो इस रीडर से कनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम होगा उसको वो ये डेटा ट्रांसमिट कर देगा। रीडर सेंड्स इंफॉर्मेशन और डेटा टू कंप्यूटर सिस्टम फॉर कलेक्टिंग लॉगिंग एंड प्रोसेसिंग। तो रीडर जो है ये इंफॉर्मेशन और डेटा जो है कंप्यूटर सिस्टम को सेंड करेगा, और कंप्यूटर सिस्टम जो है उस डेटा को कलेक्ट करेगा, स्टोर करेगा, और उसमें अगर कोई प्रोसेसिंग करनी होगी तो फर्दर प्रोसेसिंग करेगा। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ RFID टेक्नोलॉजी। RFID टैग्स आर वेरी सिंपल टू इंस्टॉल और इजेक्ट इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, दस हेल्पिंग टू कीप अ ट्रैक ऑन देम। RFID टैग्स कैन स्टोर डेटा अप टू 2 KB। इट कैन नॉट बी इजीली रेप्लिकेटेड एंड देयरफॉर इट इंक्रीजेस द सिक्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो इस टेक्नोलॉजी को इजीली रेप्लिकेट करना डिफिकल्ट है, इसीलिए ये ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आइटम्स को या प्रोडक्ट्स को। इट इज़ नॉन कॉन्टेक्ट नॉन लाइन ऑफ साइट नेचर ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर जिस भी आइटम को आप आइडेंटिफाई या ट्रैक करना चाहते हो उसको रीडर के कॉन्टेक्ट में लाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसकी लाइन ऑफ साइट पे रखना है, यानी कि उसके जस्ट नीचे पोजिशन करके जैसे बारकोड में करते हैं वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रेंज में अगर वो है RFID रीडर की रेंज में अगर वो आ जाता है तो कहीं पर भी रखा हुआ हो वो उसे रीड कर लेगा। 100 ऑफ टैग्स कैन बी रीड इन ए सेकेंड्स, मल्टीपल टैग्स कैन बी रीड विद इन ए सिंगल स्कैन। तो मल्टीपल जो या हंड्रेड्स ऑफ टैग्स जो हैं वो एक साथ रीडर जो है सेकेंड्स में रीड कर सकता है एक ही स्कैन से। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एन RFID रीडर टू रीड द इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ RFID टैग्स इंस्टॉल्ड इन लिक्विड्स एंड मेटल प्रोडक्ट्स। तो अगर आप RFID टैग्स को लिक्विड्स या मेटल प्रोडक्ट्स के साथ आप इंस्टॉल करना चाहोगे तो उस केस में RFID रीडर जो है उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा इन्फॉर्मेशन को रीड करना उन RFID टैग्स से। एक्सपेंसिव देन बारकोड सिस्टम, इम्पैक्टेड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स एंड हार्डवेयर इंटरफ्रेंस। RFID टैग्स हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर से भी अफेक्ट होते हैं, यानी कि अगर बारिश है तो फिर उस केस में डेटा को रीड करना डिफ़िकल्ट होगा, या कोई भी ऐसी नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है इन्वायरमेंटल, तो उस केस जो RFID रीडर्स हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है RFID टैग से डेटा रीड करना। अगर उस कोई हार्डवेयर इंटरफ्रेंस भी आ जाता है तो भी उसको रीड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। नॉट टोटली सिक्योर्ड कैन बी हैक्ड और बाईपास बाय द हैकर्स। तो टोटली सिक्योर्ड नहीं है, कोई भी हैकर हमारी इंफॉर्मेशन को हैक कर सकता है RFID टैग से।